कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश की टूलकिट बेनकाब हो गई है। जी न्यूज को पाकिस्तान सरकार का वो सीक्रेट पेपर हाथ लगा जो उसने अपने दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा है। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को दुनिया में मतदान करने के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन कराना चाहता है पाकिस्तान और इसके लिए साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के हालात पर ध्यान देने के बजाय कश्मीर को लेकर के लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश में लगा रहता है पाकिस्तान। और शायद यही वजह है कि अपने हाई कमीशन का इस्तेमाल करने के लिए उसने एक टूलकिट तैयार की है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में आतंक का निर्यातक बना हुआ है, इस वजह से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खैरात पर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता। जी न्यूज के पास वो सीक्रेट नोट मौजूद है जिसमें पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों को भेज करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए टूलकिट तैयार कर चुका है और इस टूलकिट को अपने दूतावासों को भेज दिया है और वहां से ये साजिश करना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम किया जा सके। और जी न्यूज के पास पाकिस्तान का वो सीक्रेट पेपर मौजूद है। 3 फरवरी को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यह दस्तावेज भेजा है। दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावासों को यह सीक्रेट नोट भेजा है पाकिस्तान ने। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर प्रदर्शन करने का पाकिस्तान का प्लान है। भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने की तैयारी, झूठे मामलों को तूल देकर प्रदर्शन करने की योजना है। इस्लामाबाद से पाकिस्तानी दूतावासों को यह भेजा गया है जिसमें गलत फैक्ट और फेक वीडियोस पर धरने की तैयारी है। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कोई हैरानी की बात नहीं है कि पाकिस्तान, जिसकी हालत अपनी इतनी खराब हो चुकी है इकोनॉमी की कि IMF की ओर से उसे कर्ज लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन फिर भी जो अपनी ऑफिशियल पॉलिसी है, ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, उस पर काम कर रहा है। बिल्कुल चंदन, आपने सही कहा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त त्राही मची हुई है। लोगों के सामने आटे की समस्या है, पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम है, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन जब भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कोई मौका मिलता है या उनको कोई कॉन्स्पिरेसी रचना होता है, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। 5 तारीख को, 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे मनाता है पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर में उसने अपने हाई कमीशन को, जो उनके दूतावास हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ काम पे लगा दिया है। जिस हम एक्सक्लूसिव सीक्रेट नोट की बात कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद के जो उनका विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से उन्होंने अपने सारे दूतावासों को भेजा है। बाकायदा वीडियोज के लिंक शेयर किए गए हैं और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो प्रदर्शन है, ये कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकार के जो मामले जो पाकिस्तान ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं उसके खिलाफ है। लेकिन अगर आप देखें तो उसके पीछे बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि खासतौर पर गल्फ देशों में, यूरोप के देशों में भारत के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा सके। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे कंपेन की थी तो गल्फ देशों से कई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ आए थे, अगर आप देखें नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल रिमार्क के बाद में। और अब ये इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है जिसमें बकायदा उन्होंने फंड भी एलोकेट किया हुआ है कि किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग भारत के खिलाफ रची।